प्रणाम टुडे समाचार में अपने के स्वागत है हम ज्योति शुरू करी आई से रमजान पावन शुरू भेल संबंधी समाचार से इस्लाम धर्मावलंबी सब के महान पावन रमजान आई से शुरू भेल नया वर्ष संगे रोजा पावन शुरू होब संभवतः ई पहिल बेर भेल वृद्ध वृद्धा के कहब छन ई पावन में एक महीना भर मुस्लिम समुदाय भिनसर सूर्योदय होब से पहिने आ सूर्यास्त नहीं होब धर पानि तक नहीं पीबत उर्दू कैलेंडर अनुसार बुध दिन भिनसर 4:15 सात 6:20 धर निराहार बैसव के रोजा कहल जात रोजा के समय दैनिक सूर्य उगब आ डूब वाला समय संगे समय तालिका से परिवर्तन होत रोजा बैसव भिनसर तोकल गेल समय आगुए आ साँझ तोकल गेल समय बाद आहार लेब पड़ित रमजान उर्दू कैलेंडर अनुसार हिजरी संबत 1442 आ रमजान महीना नवो महीना रमजान महीना में मुसलमान के सबसे पैघ ग्रंथ कुरान अवतरण भेल ई महीना में अल्लाह के कृतज्ञता प्राप्त हेबाक विश्वास लेल गेल सिराहा में ट्रैक्टर ठक्कर देला से एक बालक के मृत्यु भेल मृत्यु भेल में लहान नगर पालिका 19 के अजय यादव के 2.5 वर्षक पुत्र आशिक यादव रहल पुलिस जननी लहान ठाड़ी सड़क खंड में उत्तर से दक्षिण दिस आबि रहल 6179 नंबर के ट्रैक्टर अपन घर आगू खेल रहल बालक के ठक्कर देने छल ठक्कर से गंभीर घायल भेल बालक के इलाज के लिए लहान स्थित राम कुमार उमा प्रसाद स्मारक अस्पताल में प्राथमिक इलाज पश्चात थप इलाज के लिए विराटनगर लॉ जेबाक क्रम में बाट में मृत्यु भेल पुलिस जननी आज ठक्कर देने ट्रैक्टर अचालक पुलिस के नियंत्रण में रहल बतल गेल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेपाल में तत्काल लॉकडाउन नहीं होत बतौने नया वर्ष के अवसर में आई भिनसर देशवासी के नाम में संबोधन केने प्रधानमंत्री ओली अखन नेपाल में लॉकडाउन कर पड़वाक अवस्था नहीं भेल बतौने मुदा ओ परिस्थिति थप बिगड़त गेल में लॉकडाउन कैल जा सकबाक संकेत देने सरकार सकभर लॉकडाउन में जाय नहीं चाहत प्रधानमंत्री ओली संबोधन में कहलन मुदा विकसित देश सब से लॉकडाउन में जाय लेल बाध्य प्रधानमंत्री ओली के इस संबोधन से नेपाल में से लॉकडाउन भ सकत कई संकेत के संगसंगे प्रधानमंत्री ओली परिस्थिति नहीं बिगड़ देव लेल आ स्वास्थ्य मापदंड से पालना कर पड़बाक बतौने फोटो सहित के मतदान नामावली में नाम दर्ताकरण निर्वाचन आयोग सब संग आग्रह केने अछि आयोग एक विज्ञप्ति जारी करैत प्रदेश तथा जिला निर्वाचन कार्यालय से फोटो सहित के मतदाता नामावली में नाम दर्ता कर आग्रह केने अछि मतदाता नामावली में नाम दर्ता कर बाकी रहल सबके नाम दर्ता कराब अनुरोध कयल गेल आयोगक प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ बतौलनि नागरिकता प्राप्त क के सेहो मतदाता नामावली में नाम नहीं भेल नागरिक के मतदाता नामावली में नाम दर्ता कर उत्प्रेरित करबाक आ ओ कार्य के लेल जिला निर्वाचन कार्यालय धरि जैब ऐप लगाए थे विषय में सहजीकरण क देव सब स्थानीय तह सबके आयोग आग्रह समेत के नहीं आज नेपाल में बुध दिन थप 603 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल देशभर कैल गेल 4289 टा पीसीआर केला पर 580 गोटे आ 451 टा एंटीजेन परीक्षण केला पर 23 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जननी आज कोरोना पुष्टि भेल में काठमांडू के 173 गोटे ललितपुर के 61 आ भक्तपुर के 20 गोटे रहल छैक एहि संगे कुल संक्रमित के संख्या 281587 गोटे पहुँचल तेना 3 गोटे कोरोना संक्रमित के मृत्यु भेल तऽ हाल धरि नेपाल में कोरोना संक्रमित के मृतक के संख्या 3061 पहुँचल तहिना बुध दिन थप 173 गोटे संक्रमित नीक भेल छैक एहि संगे नेपाल में नीक भेनिहार के संख्या 274447 पहुँचल मंत्रालय जननी अछि हाल आइसोलेशन में 4056 आ क्वारंटाइन में 78 गोटे रहल अछि भारत में पिछला 24 घंटा में कोरोना वायरस के 184372 गोटे संक्रमित थपायल भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय देने जानकारी अनुसार ओ अवधि में 1027 संक्रमित के मृत्यु भेल संगे भारत में कोरोना संक्रमित के कुल संख्या 1,38,73,000 नगनी अछि तो 1,72,085 गोटे के मृत्यु भेल पिछला 24 घंटा में भेटल संक्रमित मध्य महाराष्ट्र में मात्र 60,000 से बेसी में संक्रमण पुष्टि भेल तहिना उत्तर प्रदेश में 17,000 से बेसी में कोरोना संक्रमण देखल गेल तो छत्तीसगढ़ में 15,000 आ दिल्ली में 13,000 से बेसी संक्रमित थपायल भारत अमेरिका बाद विश्व में सबसे बेसी कोरोना से प्रभावित देश आज भारत में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा बादो मेला तथा चुनावी प्रचार जेहन भीड़भाड़ हेबाक कार्यक्रम नहीं रोकल गेल बुध दिन भारत के उत्तराखंड स्थित हरिद्वार में तेसर शाही स्नान चल रहा है प्रहरी महानिरीक्षक संजय गुंजियाल के अनुसार बुध दिन भिनसर करीब 6,50,000 व्यक्ति सब गंगा स्नान कऽ चुकल छैक
इंडोनेशिया के पूर्वी प्रांत नुसा टेंगारा में सिरोजा आंधी के कारण 178 गोटे के मृत्यु भेल आंधी में पड़कर अन्य 47 गोटे हरा रहल सरकारी अधिकारी सब जनौने ओ प्रांत के उप गवर्नर जोसेफ नाय सोई भीषण आंधी से पैघ जनधन के क्षति के जनौने इंडोनेशिया में किछ दिन पहिने मात्र बाढ़ से दर्जनों व्यक्ति के मृत्यु भेल छल तो संयोग के संख्या में विस्थापित भेल छल यद्यपि ओत के प्रकोप न्यूनीकरण एजेंसी आयोजना के वर्चुअल प्रेस सम्मेलन में प्रांतीय अधिकारी विस्थापित व्यक्ति सबके संख्या घटल जानकारी देनी है हाल अस्थायी आश्रय स्थल में 7,895 गोटे बैसल इससे पहले बाढ़क प्रकोप से सता रहल 34,838 गोटे अस्थायी आश्रय स्थल रोहित आयल छल इंडोनेशिया में बाढ़ आ भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र सब में घर सब बाट आ पुल सब ध्वस्त भेल अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम सब जनौनी आज बेस तो टुडे समाचार अखन के लिए हम ज्योति के दिए जेबाक आज्ञा देखते रही टीवी टुडे नमस्कार।